हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आज मैं जो ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी वो है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और सुबह उठ के ही मैं जो काम करती हूँ वो है फ्रेश होके उसके बाद मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। और ये कोरोना काल में ना सभी का तो हैबिट बन ही गया है गर्म पानी, आपका भी बन गया होगा। तो वैसे भी नॉर्मल डे पे भी आप पी सकते हैं, इसको अपना हैबिट बना लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा गैस एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है ना वो भी दूर हो जाता है और सुबह एकदम फ्रेश आप फील करेंगे गर्म पानी पीने से। तो चलिए, ये है हमारा किचन सुबह का और काम शुरू करते हैं, क्योंकि दीदी आज नहीं आएगी, रक्षाबंधन है और उनका दीदी का छुट्टी है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। और अभी घड़ी पे बज रहा है 4:45 बज रहा होगा, तो सुबह अगर जल्दी से शुरू करूँगी ना तो सारा काम टाइम पर ख़त्म हो जाएगा। और आज तो पता ही है आपको घर में बहुत सारा काम होता है छोटा मोटा, क्योंकि गेस्ट भी आने वाले हैं इसलिए भी। तो चलिए मैं थोड़ा सा अभी बर्तन को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद गैस को साफ करूंगी, फिर घर में झाड़ू पोछा सब कर लूंगी। तो चलिए काम शुरू करते हैं। अभी मेरा बर्तन जो है वो क्लीन हो चुका है और मैं अभी टाइल्स वगैरह जो है ना एक बारी में अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और रोज़मर्रा अगर आप क्लीन कर लेंगे ना तो उतना काम भी बनने ही पड़ता है। और डेली का डेली क्लीन होने से एकदम जो गंदा हो जाता है ना उसके बाद साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक बारी में मैं टाइल्स वगैरह रोज़ ही जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी आपको तो पता ही है दीदी गैस स्टोव वगैरह साफ़ नहीं करती है, तो मैं रोज़ अभी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। और सच बताऊँ तो मुझे ना बर्तन साफ़ करना, उसके बाद गैस स्टोव, ये सब साफ़ सफाई ना बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे कपड़ा जो धोना होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बर्तन दे दो आप जितने सारे तो वो तो मैं धो दूँगी, लेकिन ये कपड़ा मत दीजिएगा, क्योंकि कपड़ा देखने से ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सबसे बड़ा गुस्सा आता है जब वाइट कपड़ा साफ़ करना पड़ता है। अभी तो बेटी का लॉकडाउन है इसलिए स्कूल नहीं जा रही है, तो वाइट कपड़ा जो होता है ना इतना गंदा करके लाती है ना, मुझे बहुत बिल्कुल ख़राब लगता है वो धोना। तो चलिए मैं अभी पानी भर लेती हूँ और एक चीज़ दिखाऊँ आपको। और आज ना लास्ट सोमवार है तो इसलिए बाघ जो लेकर जाते हैं ना तो वही लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते। आप लोग बहुत लोग फास्ट करते होंगे, सोमवार लास्ट सोमवार है आज, और आज स्पेशली लास्ट सोमवार है इसलिए भी इतना भीड़ है। तो चलिए अभी ये घर जो है मैं दोनों घर साफ़ कर लूँगी, तो मम्मी का घर और ये वाला। तो बाबू कल रात को पड़ी थी ना तो इसमें जो पेंसिल का शार्पनर छीलती है ना, पेंसिल छीलती है, उसका जो जितना भी गंदा है वो फेंक के रखी थी। वैसे तो बोलने से वो कर देती है लेकिन रात को नहीं करती है, तो मैं एक बार सुबह उठ के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ये घर। और मम्मी का घर भी अभी क्लीन करना है, तो चलिए इसको कर लेंगे साफ़। उसके बाद करेंगे इस घर का पोछा करेंगे, पोछा तो मैं एक साथ में कर लूँगी। और सुबह से इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, एक तो आप काम करते रहोगे तो उतना पता नहीं चलेगा, अगर आप बीच में रुक गए तो एकदम भीग जाओगे, इस टाइप में गर्मी है। और आप मेरा सूट देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा गीला हो गया है, ये पसीने की वजह से गीला हो गया है। और अगर मैं ये काम करते करते रुक जाऊँ ना तो हो गया, फिर और काम करने का बिल्कुल मन नहीं होगा कि लगेगा तब बस फ्रेश होके आ जाऊँ। तो इतना ज़्यादा सुबह से गर्मी हो रही है और आज मौसम ऐसा है ना लग नहीं रहा है, सुबह अभी 5:30 ही बज रहा है, देखिए बाहर कितना ज़्यादा धूप हुआ है, तो लग नहीं रहा है आज बारिश का कोई सीन होगा। और बारिश हो जाता है तभी भी दो दिन एक दिन बाद ना फिर से वही गर्मी वापस आ जाती है। तो चलिए अभी मैं इस घर का भी झाड़ू पोछा कर लूँगी, पूरा घर का ही कर लूँगी, उसके बाद फिर कपड़ा मैंने रखा है सुबह सुबह तो कपड़ा भी ऊपर छत पे डाल के आऊँगी। तो और एक
चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि मैं शेयर करूँगी, वो है मैं अभी एक हफ़्ता हो गया है ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे पर्सनली सेमी और ऑटोमेटिक में कैसा लगा, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है मशीन के बारे में, तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। ऑटोमेटिक में क्या होता है, आप एक बारी में कपड़ा देते हो और टेंशन फ्री हो जाते हो कि वो अपने आप ही जितना कुछ क्लीन करना है सब कुछ वो कर देता है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, आप थोड़ी देर अगर उसको चला लो उसके बाद अपने मन मुताबिक ना आप उसको एक बार अगर स्टॉप करके उसके बाद हाथ से वॉश कर सकते हो, उसके बाद देन आप फिर से चला सकते हो। सेकेंडली जो होता है, जो वॉशिंग प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम, तो वो ना मुझे लगता है ऑटोमेटिक से ज़्यादा सेमी ऑटोमेटिक में अच्छे से कपड़ा धो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, ओनली मेरा ओपिनियन है, मैं कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ, ये स्पेशली मुझे लगता है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बताया कि मेरे लिए तो सेमी ऑटोमेटिक अच्छा है। तो चलिए, मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और अभी सुबह का चाय है, तो चाय 7 अभी बज रहा है, मम्मी को जाना है बाज़ार, तो मम्मी के लिए भी पहले शुगर फ्री जो है चाय उसको उठा के रख दिया है। और आज सच में सुबह से काम करते करते ना मतलब बहुत थक गई हूँ, थकान इसलिए ज़्यादा हुआ कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मतलब लोगों को और ज़्यादा थका देती है। तो चलिए मैं अभी आराम से थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आपके साथ ब्रेकफास्ट के साथ मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अभी जस्ट मेरा जो काम है घर का वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, और आज स्पेशली काम इसलिए बढ़ गया है क्योंकि दीदी जो है जो काम पे आती है ना वो रक्षाबंधन के लिए छुट्टी पर है, 2 दिन छुट्टी पर है, तो इसलिए मैंने सुबह उठ के आज जो घर का जितने भी काम है वो सारा कुछ हो गया है ऑलरेडी। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, मम्मी थोड़ा सा गई है बाज़ार, मम्मी और पापा दोनों मिल के गए हैं बाज़ार क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, बेटी उठ गई है नहाने गई है, और मैं अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में बनाना है मालपुआ, तो इसके लिए मैंने जो दूध को ना थोड़ा सा गाढ़ा करके रख दिया था, थोड़ा सा जला के, मतलब उतना ज़्यादा नहीं जलाया लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा करके रख दिया था, उसके अंदर डाल दिया था चीनी, वो पिघल चुका है। और अभी मैं इस पर डाल दिया है 2 चम्मच, जो ये चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसका भरा हुआ 2 चम्मच मैंने सूजी डाला है, इसको थोड़ा सा फूलने के लिए दूंगी। और उसी टाइम पर मैं अभी नारियल जो है ना, ये गाच का है, मतलब हमारे पेड़ का ही है, तो ये पापा लाए थे, और इसको ना थोड़ा सा बारीक बारीक काट के मैं मालपुआ में दूंगी। और जल्दी से चटपट मैं रोटी नहीं बनाऊंगी आज क्योंकि रोटी खाने का किसी का भी मन नहीं है, और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, सच में रोटी बनाने का मन भी नहीं है कि गैस के पास जाके उतना देर खड़े होके फिर रोटी बनाओ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मालपुआ बना लेते, और आज रक्षाबंधन भी है तो चलिए थोड़ा सा मीठा बना ही लेते हैं आज। तो मैंने 2 चम्मच भर के सूजी डाला था, उसके बाद 1 कटोरी भर के मैंने मैदा यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ा सा सूख गया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से फेंट लूंगी। फेंटने के बाद जितना अच्छे से फेंटेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है, मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो चलिए अभी इसको कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद मैं मालपुआ को फ्राई कर लूँगी। और मेरा हर एक मालपुआ अच्छे से फूला है, एक पहला जो डाला था ना मैंने वही अच्छे से, ये वाला जो है ना ये अच्छे से, कितना अच्छे से फूला है ना, जैसे पूरी फूलता है ना सेम उसी तरीके से। तो चलिए सभी फ्राई कर लेते हैं धीरे धीरे। और अभी 3 बनाए हूँ मैं, 1 डाल के आई हूँ कढ़ाई पे, देखिए अच्छा हुआ है ना, कलर भी इसका अच्छा आया है, और मीठा भी ना मैंने कम डाला है क्योंकि मुझे स्पेशली, अगर मेरी राय है तो मुझे मीठा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मीठा कम डालती हूँ। तो अभी दादू बैठे हुए थे, दादू को थोड़ा सा खिला दूँगी, उसके बाद बेटी को दूँगी, फिर मैं खा के देखूँगी कैसा बना है मालपुआ।
मेरा मालपुआ कैसा बना है वो दादू ने अपना आपको बता ही दिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि दादू ने ऐसे करके मतलब घाड़ हिला के उन्होंने बताया कि अच्छा बना है। तो पूरा तो नहीं खा पाएंगे, थोड़ा ना, दादू बहुत कम ही खाते हैं, बिल्कुल कम। जैसे चावल भी खाते हैं ना, एक स्पून खाते हैं, अगर बिस्किट देते हैं तो दो खा लेते हैं चाय के साथ। और अभी ये नहीं लगता है मुझे कि खा पाएंगे पूरा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही दूंगी मैं, और जितना बचा है वो रख दूंगी मैं। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। और आज इतना अच्छा दिन में मेरा एक प्यारी सी बेटी है गुनगुन, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए ढेर सारा प्यार हमारे पूरा परिवार की तरफ से। हैप्पी 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 बर्थडे गुनगुन, और आंटी की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत आई है शुमोना कमेंट्स नहीं पढ़ती है, तो आप प्लीज़ मेरी बात भी समझिए। मैं थोड़ा सा आप समझ ही सकते हो कि मैं ससुराल में हूँ तो सारा दिन मोबाइल लेकर बैठना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं रात को जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पक्का आपका कमेंट्स देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा मेरे से, क्योंकि आप नाराज़ हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगी बताइए। तो प्लीज़ आप गुस्सा थूक दीजिए। और अभी नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना, वो ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो वो ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ रक्षाबंधन में।